वेक्टर क्या है, स्केलर और वेक्टर क्या है पहले समझ लो। स्केलर जो क्वांटिटी है, ये सब देखो क्वांटिटीज है, वही है ना। स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नेट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता, ठीक है। ये ध्यान दो ना, फिर समझ लो। स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नेट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। वेक्टर क्वांटिटी में, वेक्टर क्वांटिटी में दोनों होते हैं। अब याद कैसे रखेंगे, है ना। तो देखो याद कैसे रखेंगे, स्केलर का नाम यस से चालू होता है, है ना। स्केलर का नाम कैसे चालू होता है, यस से। और अगर हम यस को देखा जाए तो आड़ा टेढ़ा है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, समझ में आया। मतलब क्या होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब यूनिट, यूनिट नहीं बोलते क्या, लीटर, मीटर, किलोमीटर, है ना। तो ये बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड, जैसे फोर्स और बी एक डायरेक्शन होता है नीचे की तरफ, ये है ना। मतलब वेक्टर में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों आएंगे, और मैग्नेट्यूड तो रहता है, समझ में आएगा। अब देखो इसके कुछ एग्जांपल बता दो, ठीक है। अब इसमें हम जैसे नाम लेते हैं स्केलर, और यहाँ पर नाम है वेक्टर, समझ में आया ना। स्केलर और वेक्टर, स्केलर और वेक्टर में क्या क्या आ सकता है, अच्छे से समझो। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी में क्या आती है, सबसे पहले स्पीड, स्पीड, ठीक है। स्पीड क्यों आएगी, क्योंकि स्पीड में डिस्टेंस होता है, और डिस्टेंस ऐसा 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 होता है, समझ गए ना। स्पीड में डिस्टेंस होता है, देखो डिस्टेंस ऐसा ऐसा होता है, मतलब यहाँ से निकलेगा और इधर 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 आके ये स्पीड हो गया, समझ गए। मतलब ये क्या हो गया, डिस्टेंस। इसलिए अब डिस्टेंस है तो डिस्टेंस में कभी भी कुछ डायरेक्शन नहीं आता, इधर स्पीड कभी हो सकता है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम आता है, समझ गए। और वेक्टर क्वांटिटी में क्या आएगा, वेलोसिटी आती है। तो दो तरीके याद रखने के, एस से स्पीड, बी से वेलोसिटी, समझ में ना। और वेलोसिटी में डायरेक्शन इसलिए है क्योंकि क्योंकि वेलोसिटी का फार्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी का फार्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट में देखो डायरेक्शन, देखो बहुत एक तो इधर जाएगा एक इधर, मतलब डायरेक्शन है। ये सब तुमको पता है क्वांटिटी है, किसी चीज को गिनने के लिए नाम दिया है, पर्टिकुलर नाम, ऐसा बोल सकते हैं। हम स्पीड को मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी को मैग्नीट्यूड, ये पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड को परिमाण बोलते हैं, समझ गए। अब यहां सुनो, स्पीड और वेलोसिटी दिए। अब मैंने यहाँ पर क्या बनाया, स्पीड का फार्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, अपॉन टाइम, है ये डिस्टेंस मैंने बना के बताया ना। डिस्टेंस इस तरीके से होता है, आड़ा टेढ़ा, और इसका यूनिट क्या होता है, किलोमीटर पर आवर होता है। सेम वेलोसिटी का, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो गया, इसका भी यूनिट सेम होता है, लेकिन यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मतलब छोटा डिस्टेंस, इसलिए बता के बता, डिस्प्लेसमेंट मतलब छोटा डिस्टेंस, इसमें डायरेक्शन होता है, समझ में आया ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुमको कोई चीज अगर सपोज डायरेक्ट कोई चीज फेंक के दे रहा हूँ, उसके अंदर वेलोसिटी होगी क्योंकि डायरेक्ट तुम्हारे अंदर आ गई, मतलब तुम्हारे पास आ गई, फेंक के दे रहा हूँ। या सपोज तुम किसी को कोई चीज फेंक के मार रहे हो, मतलब वेलोसिटी है उसके अंदर, समझ में आया। और फॉर एग्जाम्पल कि कोई चीज तुम्हारे पास ऐसी ऐसी आ रही है, ऐसी 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 गोल गोल घूम के आ रही है, मतलब उसमें क्या है, स्पीड है, उसको वेलोसिटी नहीं बोलेंगे, उसमें क्या है, स्पीड है, समझ में आया ना। अब फॉर एग्जाम्पल समझ लो कि तुमको पहाड़ चढ़ना है, तो पहाड़ के अंदर ऐसा 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 ऐसा, मतलब ऐसे 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 ऊपर गोल गोल घूम के बाय रोड ऊपर चढ़ रहा है, तो वो क्या है, तुम्हारे पास डायरेक्ट स्पीड। और कोई बड़बड़ा के ऊपर से आ रही नीचे गिर गया तो
वेलोसिटी समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस समझ में, तो वेलोसिटी में एक डायरेक्शन होता है, पर्टिकुलर डायरेक्शन समझ में आ रहा है। जैसे बॉल फेंक रहा हूं, एक डायरेक्शन रहेगा, एरोप्लेन से ट्रैवल कर रहे हो डायरेक्शन रहेगा। और वेलोसिटी में हमेशा हम शॉर्ट डिस्टेंस लेते हैं। और एग्जांपल, एक एग्जांपल के तौर पर पकड़ लो कि नागपुर से मुंबई 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस, ठीक है। वहां से अगर प्लेन छूट गया, मतलब तुम बाय रोड जा रहे हो 1000 किलोमीटर, प्लेन से जा रहे हो 800 किलोमीटर, समझ में आया। प्लेन इधर उधर मुड़े जाते हैं, प्लेन तो सीधा जाएगा ना, इसका पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा, यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट पे पर्टिकुलर डायरेक्शन मिल जाएगा। मतलब क्या, बाय ट्रेन या बस गए तो स्पीड, समझ में आया। अब इसके अलावा वेक्टर का मतलब मैंने यही समझा, स्केलर में क्या आता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता। और ये स्केलर की स्पीड यहाँ से चालू हो रही, यहाँ को डायरेक्शन दिख रहा है, ऐसे जा रहा है ना, कोई डायरेक्शन नहीं है। वेलोसिटी बी से चालू हो रहा है, डायरेक्शन नीचे ही से, समझ गया ना। मतलब वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी में क्या होगा, डायरेक्शन होगा। हर बार ये दो सवाल पूछते हैं, इसके दो चीज के बारे में बताया, स्पीड वेलोसिटी के बारे में पूछते हैं, कौन सी क्वांटिटी। हाँ, अब और कुछ बातें देखते हैं। टाइम, टाइम स्केलर क्वांटिटी, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। अरे टाइम इधर जाता है उधर जाता है, फिर ऐसा बोलते क्या, टाइम क्या स्केलर, वही ना, टाइम स्केलर। और टेम्परेचर अगर दिख रहे तो ये भी स्केलर क्वांटिटी है। और क्या हो सकता है, हाँ इधर देखो, इधर फोर्स, फोर्स कोई भी एक पर्टिकुलर दिशा में लगता है ना, ऊपर लगाए नीचे लगाए किधर लगाए, फोर्स से कोई भी पर्टिकुलर दिशा में होता है, इसीलिए कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर है ना, इसमें डायरेक्शन होता है फोर्स। डिस्प्लेसमेंट, अभी जो बताया डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होता है, इसी वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट होता है। हाँ तो यहाँ क्या जाएगा फिर, डिस्टेंस, समझ गए। और क्या हो सकता है, एयर भी होगा ना, हाँ एयर, वेक्टर में जा उसकी तो डायरेक्शन ही होती है, एयर की डिस्प्लेसमेंट होती है। एयर को, एयर में प्रेशर हो, प्रेशर नहीं हो, प्रेशर, प्रेशर का कोई एक्शन नहीं होता, इधर भी जाता है, प्रेशर आता है ना गुब्बारे में, नहीं तो भी उसको कैसे नहीं होता। और हाँ, स्केलर क्वांटिटी में एक चीज आती है वर्क, वर्क, अब बोलोगे वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है ना, वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है। तो फिर जब दोनों चीजों में वेक्टर क्वांटिटी आती है तो फिर ये स्केलर क्यों, सवाल उठने को पूछना चाहिए। तो एक ध्यान पर रखो, W इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जरूरी है क्या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का दोनों में डायरेक्शन एक तरफ हो। कुएं से तुम पानी खींच रहे हो, फोर्स नीचे लगा रहे हो, बकेट ऊपर आ गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऊपर आ गया, ऊपर हो रहा है और फोर्स नीचे लग रहा है, क्या एक ऊपर एक नीचे डायरेक्शन बोल सकते हो, नहीं कुछ भी हो सकता है। बॉल को नीचे पटक रहे हो, फोर्स से बॉल ऊपर जा रहा है। रॉकेट न्यूटन का थर्ड लॉ, नीचे नीचे फोर्स लगा रहा है, जा रहा है ऊपर, है ना, मतलब क्या इनका वो सर्कुलर मोशन होगा, मतलब तुमको दिखने का बड़ा एक्सपीरियंस है। सर्कुलर मोशन के लिए दो टाइप, पहला होता है सेंट्रीपिटल और दूसरा होता है सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है। हम याद कैसे रखेंगे, याद रखेंगे, याद रखने का तरीका होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब क्या कितने दिन से आपको कंफ्यूज होता है सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल। कोई भी ऑब्जेक्ट, इसकी डायग्राम कोई भी ऑब्जेक्ट अगर गोल घूमा है, या नाम क्या है, सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन में कोई घूमेगा और वो अपनी जगह पर गोल घूमते रहेगा, समझ में। वो बाहर जाने की कोशिश कर रहा है सेंट्रीफ्यूगल, तो बाहर जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो सेंटर की तरफ अपना खिंचाव महसूस कर रहा है, समझ में ना। कोई ऑब्जेक्ट है वो सेंटर की तरफ खिंचाव महसूस कर रहा है, एक्चुअली में ये जाना सीखना चाहता है लेकिन सेंटर से बना हुआ है, सेंटर की तरफ खिंचाव महसूस कर रहा है इसलिए गोल घूम रहा है। तो एक बार बताओ, मार्केट कैसा है, खींच के,
है ना, मतलब हम पीट रहे, कैसा पीट रहे, खींच के हम सेंटर में, ध्यान रखेंगे कि किसी को भी ऑप्शन लेके पीटते हैं हम, एक ऑप्शन लेके पीटते ना बुलाना है। देखो जैसा किसी ने पूजा लिया, मान लीजिए तुम लोग से पूजा लिया, ये रहा वो मिल गया, तुम्हारी पकड़ इतनी जबरदस्त है, तुम उसको बाहर नहीं जाने दे रहे हो, तो बाहर जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन तुमने उसको पकड़ के रखा, समझ में आएगा, तुम्हारी पकड़ इतनी मजबूत है कि उसको बाहर नहीं जाने दे, इसलिए वो कोई 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 घूम रहा है। अगर गलती से रस्ते पे गंदा डंडा टूट गया तो गया, भग गया, मतलब तुम्हारी पकड़ गई तो गया, तो सेंट्रीपिटल को ऐसे करना है, समझ में आया, सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब वो सेंटर के तरफ एक अट्रैक्शन महसूस कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, जो सर्कुलर मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर घूम रहा है तो सेंटर की तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन महसूस कर रहा है, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख लेना, समझ में आया। When any object takes attraction toward the center of the circle, समझ में आया, या center point of the circular motion, समझ में आया, या फिर circular path देखते हैं, then it is called as the centripetal force, ठीक है, then when a contact between object and center is break, मतलब उनके बीच का अगर टूट गया, then the motion, circular motion will be disturbed, मतलब वो बिल्कुल disturb हो जाए। एग्जाम्पल तुमने रस्सी बांध ली है, एक पत्थर को गोल घुमा रहा है, जैसे रस्सी टूट गई तो पीटने वाला एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है, अभी बोलोगे नहीं, समझ में आया। सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल में कोई ऑब्जेक्ट है सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, ठीक है, लेकिन वो सेंटर से बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, समझ में आया, और वो चले भी जाता है, कहीं से यहाँ पीट रहे थे, यहाँ घूम गए, कितना पकड़ के रखो, वो गोल घुमा रही तुम उसको फुग्गी तो डूब जाती, तो फुगने वाला सेंटर से किस तरफ जाएगा, दूर जाएगा, मतलब सेंट्रीफ्यूगल, समझ में आएगा, समझ में आएगा, सेंट्रीफ्यूगल जो फूक गया वो दूर गया। हमारे घर तुम्हारे घर भी कभी होता होगा, तुम कभी फूक जाते होंगे, लड़के स्पेशल करके फूकती है, अब कुछ कुछ नहीं फूकती, सभी को नहीं बोल रहा हूँ, कुछ कुछ नहीं फूकती, शायद मेरे ट्यूशन की सभी लड़के अच्छी नहीं फूकती, शायद सुन रहे हो, क्या, अरे देखो इधर फुगे, अगर कोई फंसना नहीं बैठ गया तो बोलना चाहिए, ये रास्ते में आगे से मत फंसना, वो बता रही, देखो अगर कोई फुग गया तो अपन क्या बोलते, चल निकल घर पे, कोई फुग गया खाना नहीं खा रहा है तो मम्मी क्या बोलेंगे, हाँ खाने का मत खाने, भूख लगनी तो आप कुछ खाएंगे, कभी हो जाता है ना, कभी कभार हो जाता है, घर जा मैं नहीं खाना खाता, दूर जाते, तुम दीपावली में चक्री घुमाते हो और चक्री में से जो उसके गुल निकलते हैं अंधार के, वो देखना सर्कुलर मोशन में दूर दूर भागते हैं, सेंट्रीफ्यूगल, समझ में आया। तुम्हारे मम्मी ने कभी घी निकाली घर में, निकाला होगा ना घी, घी घी अरे घी मतलब पता है ना, घी धोती में घी बोलते हैं, उसको ऐसा 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 करके निकालते हैं, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि वो बीच से उसको एक्साइट करता है, समझ में आया ना, बीच से, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में इस तरीके की डायग्राम होती है, सेंटर पॉइंट होता है ना, इस तरीके की डायग्राम होती है,
समझ में आ गया, इस तरीके की डायग्राम बनती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में। इसका मैंने दो एग्जांपल बता दिया। तीसरा एग्जांपल, तुम जब बारिश में अपनी साइकिल चलाते हो पीछे का चक्के से पानी उड़ता है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से पानी उड़ता है, समझ में आया। फिर बोलोगे सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एग्जांपल बताओ, मौत कब हुआ है ना, मौत कब हुआ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जब वो गाड़ी चलाता है ना तो उसको क्या महसूस होता है, उसको नीचे का पता ही नहीं है, उसको लगता है मैं सीधा चढ़ा रहा हूँ, चढ़ा हुआ आपको चढ़ो, समझ में आया ऐसा। और इसके बाद में उनसे क्या बोलते हैं, झूला, अरे झूला बड़ा वाला झूला ऐसा बोलो या फिर वो ऐसा वाला रस्सी टूट गई तो गया एक के वहां से, समझ में आया। तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल मतलब समझ में आया, आप सेंट्रीपिटल के और डीप में जाते हैं और डीप में जाते हैं, इतना समझ गया तो ठीक है, थोड़ा सा और डीप में जाते और डीप में जाते हैं। तो एक्चुअली में उसके अंदर वेलोसिटी होती है दूर जाने के लिए, वेलोसिटी होती है ना मोशन, लेकिन सेंटर से सेंटर की तरफ वो खिंचाव महसूस कर रहा है, समझ में आया, खिंचाव महसूस कर रहा है जिसके वजह से वो सामने ना जाते हुए उसको ऐसा होना पड़ता है, समझ में आया। तो यहाँ से सीधा जाने को देखता है मुड़ता है, फिर मुड़ेगा फिर सीधा जाने को देखता है, समझ में आया। एक्चुअली उसका डायरेक्शन तो ऐसा होता है लेकिन वो इधर घूमना पड़ता है, समझ में आया।